नमस्कार इंडिया, नमस्कार AWPL परिवार। थैंक यू दोस्त। काफी स्ट्रगल के बाद दोस्त ये अचीवमेंट मिली है दोस्त, और इस अचीवमेंट का अगर क्रेडिट अगर किसी इंसान को देता हूं तो दोस्त हमारे जितने भी फ्रेंड्स रूम में ग्रुप बैठे हैं उन सभी को जाता है दोस्त। रियल में एक बार मेरे जितने भी गुरुजन, जोरदार तालियां। दोस्त कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने दोस्त एक इंसान के रूप में इस धरती पे मुझे भेजा। उसके बाद है दोस्त मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने दोस्त मुझे पाल पोस करके बड़ा किया और एक इतने अच्छे संस्कार दिए। दोस्त आप लोगों के सामने आज खड़ा होकर बातचीत कर पा रहा हूँ तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बनती है दोस्त, मेरे पेरेंट्स के लिए। थैंक यू। आज यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं उनकी कमी बहुत ज़्यादा फील कर रहा हूँ दोस्त, और उनका कर्ज कभी दोस्त मैं कभी चुका नहीं सकता, मरते दम तक नहीं चुका सकता, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने सहा है मेरी लाइफ में दोस्त, बहुत कुछ स्ट्रगल मैंने देखा है। उसके बाद है दोस्त AWPL प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है दोस्त हम सब के भगवान मिस्टर संजीव सर, जिनकी एक सोच, उनकी एक नीयत दोस्त, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। काम इंसान अगर एक विश्वास करके दिल से 3 से 4 साल काम कर ले तो दोस्त यहां पे आ सकता है। मैं चाहूंगा संजीव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार वाली। उसके बाद है दोस्त मेरे जितने भी गुरुजन हैं, सबसे पहले महागुरु मिस्टर महिपाल सर। उसके बाद है दोस्त हमारे एक और महान गुरु जो कि यहां पे आए हुए हैं, महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर। थैंक यू। उसके बाद है दोस्त असलीपीएस वेलनेस में मुझे जन्म देने वाले कोई और नहीं, आप सभी के नसीब बदलने वाले और हम सब के नसीब बदलने वाले नसीब सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद है दोस्त महेश चौधरी सर भी हैं हमारे दोस्त, गुरु हैं। मैं चाहूंगा गुरु जी के एक बार जोरदार तालियां, और जितने भी गुरुजन है, थैंक यू, जितने भी गुरुजन है दोस्त अब तक की सबसे जोरदार तालियां मेरे गुरुजन के, जोरदार तालियां। थैंक यू। उसके बाद है दोस्त ये अचीवमेंट में अगर सबसे बड़ा रोल अगर किसी इंसान का है तो दोस्त आप सभी फाइटर्स का दोस्त, ये अचीवमेंट मेरा नहीं है, आप सभी का है दोस्त। जिस भी फाइटर ने मुझे पग पग पर साथ दिया और दोस्त यहां तक पहुंचाने में आप लोगों ने मेरा साथ दिया दोस्त, मैं चाहूंगा दोस्त मेरी प्यारी सी टीम, मैं बोल सकता हूं दुनिया की सबसे पावरफुल टीम मेरे पास में है, तो दोस्त आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। कुछ आपने देखा होगा एक वीडियो के माध्यम से, देखा कितने लोगों ने देखा, तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की शायद आप लोगों को जरूरत है, लेकिन दोस्त 5 से 7 मिनट में आप लोगों से बातचीत जरूर करना चाहूंगा। जो आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा वो रियल में दोस्त हकीकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। जिंदगी के अंदर एक बिल्कुल गरीब फैमिली से, मैं बोल सकता हूं एक मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक इंसान, जहां पे कभी सपना भी नहीं देखा इतने बड़े मंच पे कभी बोलने का मौका मिलेगा, ऐसा मान सम्मान मुझे मिलेगा दोस्त मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। मैं आपको रियल बताऊं दोस्त, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और आपने डॉक्यूमेंट में सुना होगा नाम मेरा कृष्ण कुमार है, और बेसिकली मैं राजस्थान में एक छोटे से गांव झुंझुनू जिले में इस्माइलपुर झारोडा का रहने वाला हूं दोस्त, और वहां पे पढ़ाई लिखाई जब की तो दोस्त बहुत सारे स्ट्रगल आए लाइफ के अंदर, कभी पैसा ना होने की वजह से, स्कूल में फीस टाइम से जमा न होने की वजह से काफी बार क्लास से बाहर भी जाना पड़ता था, काफी बार पिटाई भी खानी पड़ती थी, यस या नो? और बहुत सारे भाई मेरे जैसे यहाँ पे बैठे होंगे, कितने लोग हैं ऐसे बैठे होंगे यहाँ पे दोस्त, सच्चाई है, क्योंकि दोस्त 6 भाई बहन हम, आप समझ सकते हैं अभी करना है। जिसका माता पिता किसान हो और माता हाउस वाइफ हो और 6 भाई बहन हो, तो दोस्त उनका पालन पोषण कैसे किया जा सकता है दोस्त, आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्त काफी स्ट्रगल देखने के बाद में जिंदगी के अंदर एक टीस जरूर थी, कुछ करना चाहता था लाइफ के अंदर, सपने बहुत ज्यादा देखते थे। जब एरोप्लेन, जिसको आप हवाई जहाज बोलते हैं, जिसको हम फ्लाइट भी बोलते हैं, जब घर से ऊपर से निकलती थी इतना लगता था इतनी छोटी सी है, तो सोचा करते थे
कौन लोग होंगे इस फ्लाइट के अंदर यात्रा करते हुए, कभी हमारे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्त ऐसे सपने हम भी देखते थे, जब कोई कार पास से निकलती थी दोस्त टीस तो हमारे को भी लगती थी दाब कार हमारे पास कब आएगी। दोस्त मैं आपको रियल बताऊं, उस फैमिली से बिलोंग करता हूं दोस्त जहां पे बाइक भी घर में नहीं हुआ करती थी। आप समझ सकते हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान दोस्त फैमिली बाइक भी घर में नहीं लेके आ पाए। उसके बाद दोस्त मैंने बीटेक की, शायद आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको। बीटेक करने के बाद दोस्त अपना खुद का एक कंप्यूटर सेंटर डाला और अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर डाल के कमाई करने का जरिया स्टार्ट किया। दोस्त काफ़ी समस्याएं आ रही थी लाइफ के अंदर, जो सपने लाइफ के अंदर देख रहे थे वो हकीकत में पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन सच बताऊं इतना जरूर पता था कि नौकरी अगर किशन तू करेगा तो जिंदगी के अंदर कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक चीज नौकरी के अंदर मैंने समझी है, लाइफ के अंदर दोस्त एक बात समझ में आई है कि नौकरी करके एक इंसान सिर्फ अपना पेट भर सकता है, कभी भी जिंदगी के अंदर अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। दोस्त ये प्रैक्टिकल मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखा है। और मैं आपको रियल बताऊं, थैंक यू, मेरे चाचा जी भी नौकरी करके आए थे, मेरे बड़े भाई साहब भी नौकरी करके आए थे, तो एक बात समझ में आई थी कि सर नौकरी तो जिंदगी में नहीं करूंगा, करूंगा तो खुद का बिजनेस करूंगा। लेकिन दोस्त बिजनेस करके करने के बारे में जब सोचा तो समस्याएं बहुत सारी आ रही थी कि यार बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, टैलेंट भी चाहिए, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और समय भी देना पड़ेगा। जैसे दोस्त ये पांच चीजें जब लाइफ के अंदर समझ में आई कि यार बिजनेस किसन तू नहीं कर सकता, बिजनेस करने के लिए करोड़ रुपए का अमाउंट तेरे पास में है तो सोच सकता है। दोस्त सपने तो बहुत ज्यादा बड़े थे, लेकिन दोस्त अपना खुद का एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर डाल के कुछ अर्निंग स्टार्ट की। उसी दौरान मैं चाहूंगा अगेन, अब तक इस जोरदार तले नाम लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों ने अभी तक कितनी तालियां बजाई मुझे नहीं पता। जिस इंसान ने मुझे AWPL जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में रूबरू कराया वो कोई और नहीं दोस्त मेरे आज भगवान है। मैं उनके लिए दोस्त एक हनुमान की तरह काम करता हूं, वो कोई और नहीं दोस्त मेरा नसीब बदलने वाले और मेरी जिंदगी बदलने वाले वो कोई और नहीं दोस्त हमारे ग्रेट गुरु, हम सबके आइडियल, हमारा नसीब बदलने वाले मिस्टर नसीब सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। गुरुजी मैं नमन करता हूं और सभी गुरुजनों को नमन करना चाहूंगा। दोस्त जब लाइफ में असली पेस वेलनेस का प्लान मुझे देखने का मौका मिला तो दोस्त सर ने एक बात बताई, किसने अगर 4 साल इस बिजनेस को करता है तो 4 साल में लाइफ बदल सकती है। दोस्त विश्वास नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण दोस्त बताना चाहूंगा क्योंकि दोस्त मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं जहां पे करोड़ों रुपए की बात कभी नहीं होती थी। एक ही चीज बताई जाती थी बचपन से, जब तक मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, बेटा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, अच्छी सी नौकरी लगना। इसके अलावा किसी भी पेरेंट्स ने, किसी भी समाज वाले ने, किसी पड़ोसी ने ये बोला कि किशन तू बिजनेस करना या इस गांव का सबसे अमीर इंसान बनना या डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करना, दोस्त किसी ने नहीं बोला। गुरुजी ने एक बात बोली, किशन 4 साल असली प्लेस वेलनेस में काम करता है, 4 साल अगर दिल से यहाँ पे समय देता है, किसी की जिंदगी बदले या ना बदले तेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। तू आज बाइक पे है, तेरे पास ऑडी जगुआर जैसी कार होगी, तू आज बाइक पे धक्के खा रहा है दोस्त, तेरे पास में खुद के सपनों का घर भी होगा, तेरे पास देश विदेश की यात्राएं भी होगी। दोस्त इस बात का डाउट हुआ, डाउट इस बात का इसलिए हुआ दोस्त, मैंने सर को बोला क्यों इसने सर इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो, मैं आपको रियल बताऊं। और मैं आपको सच बताऊं, जब सर ने मुझे प्लान दिखाया था मैं सर की बातों के ऊपर 1% भी बिलीव नहीं कर रहा था, मैं मजाक में ले रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब पहली बार किसी को ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता विश्वास नहीं होता, ये से अनो दोस्त विश्वास मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा बिलीव किया, एक माइंड के अंदर एक बात आई, क्या पता ऐसा हो गया तो, अगर कुछ भी नहीं होगा तो जो कंप्यूटर सेंटर किशन तू चला रहा है वही चलाता रहेगा। लेकिन अगर 1% अगर बिलीव करके जैसा सर बता रहे हैं अगर ऐसा मेरी लाइफ में हो जाता है तो साहब बाइक का सफर जगुआर में आ सकता है। दोस्त थैंक यू, कभी सपना भी नहीं देखा दोस्त विदेश का, तो मैं आपको रियल बताऊं, आज सर ने बोला इस बिजनेस को अगर 3 से 4 साल करता है तो दोस्त देश विदेश की यात्राएं मिल सकती हैं, लाखों रुपए की इनकम आ सकती है, सब कुछ दोस्त लाइफ के अंदर आ सकता है। दोस्त ये बातें जब सर ने बताई तो दोस्त एक छोटा सा
अंदर से दिल में आई यार ट्राई करके देखते हैं, आया ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं ट्राई करके देखते हैं। दोस्त मैंने भी ऐसे शुरुआत की थी, और दोस्त मैं बताना चाहूंगा जब मैंने असली पेस वेलनेस की शुरुआत की आज से लगभग 5 साल पहले असली पेस वेलनेस को मुझे देखने का मौका मिला था। जब कंपनी का प्लान देखा दोस्त मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग नए आए होंगे, थोड़ा सा कुछ बातें समझना, मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। उस टाइम दोस्त कंपनी के पास मात्र 7 प्रोडक्ट थे। कितने? 7 प्रोडक्ट थे दोस्त। कंपनी में कोई अचीवर नहीं था, कंपनी में कोई लग्जरी कार नहीं थी, कंपनी में प्रोडक्ट के ज्यादा रिजल्ट भी मार्केट में नहीं थे, और कंपनी का दोस्त खुद का हेड ऑफिस भी नहीं था, और कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं था। दोस्त उस टाइम मैंने असली पेस वेलनेस को करने का जब डिसीजन लिया तो बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसा नहीं होता है, इनमें कंपनियों में जिंदगी नहीं बदलती है, लोग बर्बाद होते हैं, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैंने वो कंपनी की थी देख, 5 साल पहले वो कंपनी में करके छोड़ चुका हूं। कुछ लोग मेरे को मार्केट में ऐसे मिलते थे, तू तो दोस्त अभी बच्चा है, मेरे बाल देख ऐसे सफेद नहीं, ऐसे सफेद नहीं है बाल, बहुत सारे लोगों ने बोला। डाउट तो साहब मुझे भी होता था, डाउट इस बात का होता था क्योंकि दोस्त कंपनी का ऑफिस किराए पे था, कंपनी का खुद का प्लांट नहीं था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर ऐसी आती और चली भी जाती हैं। एक बार बार डाउट इस बात का आता था यार क्या पता संजीव सर को कोई लालच आ जाएगा ये कंपनी बंद हो गई तो, किशन तेरे कैरियर का क्या होगा, तेरे साथ में जो लोग कैरियर लगा के उनके कैरियर का सवाल है। दोस्त मैं असली पेस वेलनेस को दोस्त फुल फ्लैश नहीं करना स्टार्ट किया, सिर्फ प्रोडक्ट बेस पे काम करता चला गया और गुरुजी की बातों को फॉलो करता चला गया। और जब भी संजीव सर की कोई मीटिंग होती थी सर एक बात बोलते थे कि आने वाले दिनों में असली पेस वेलनेस इंडिया की नंबर वन कंपनी होगी, और आज तो संजीव सर ने एक चैलेंज किया दुनिया की नंबर वन कंपनी असली पेस वेलनेस होगी, आप सभी लोग जानते हैं। थैंक यू दोस्त। ये बात जब सर बोलते थे मैं लगातार 2 साल से ये चीजें वॉच कर रहा था कि जो संजीव सर ने बोला है वो हकीकत में कर रहे हैं नहीं कर रहे। दोस्त मैंने सब कुछ मेरी आंखों के सामने प्रैक्टिकली देखा यार, जो बातें संजीव सर ने बोली हैं सब कुछ कंपनी में हो रहा है, तो किशन तेरा कैरियर सेफ है। और मेरी आंखों के सामने दोस्त बताना चाहूंगा उस दिन अपने आप के ऊपर भरोसा किया जब हमारे महागुरु जो कि आज इस फंक्शन में नहीं आ पाए किसी कारणवश, दोस्त माफी चाहूंगा आप लोगों से, क्षमा कर देना, किसी भाई को बोला गया होगा महिपाल सर आएंगे, किसी कारणवश नहीं आ पाए। दोस्त जब नसीब सर ने महिपाल सर से मुलाकात कराई और जब सर ने मेरी आंखों के सामने दोस्त जगुआर जैसी कार को लिया तो दोस्त उस दिन अपने आप से वादा किया था साला मरने से पहले जगुआर तो कृष्ण भी लेगा, दोस्त इस बात की गारंटी है। उस दिन अपने आप से वादा किया था। लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर कुछ दिन काम करते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी नेगेटिव होते हैं। दोस्त मैं बताना चाहूंगा मेरी सक्सेस का एक छोटा सा राज है, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? दोस्त एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। लोग बोलते हैं सर आप यहां पे कैसे पहुंच गए, आपको इतना फास्ट अचीवमेंट कैसे आ रहा है असली पेस वेलनेस में, आज इतनी फास्ट अचीवमेंट आपकी टीम में कैसे आ रही है, आप कंपनी के अंदर इतने फास्ट रिकॉर्ड मेकर अपनी टीम में कैसे क्रिएट कर पा रहे हो। दोस्त इसका मेरा कुछ भी नहीं, मैं आपको रियल बताऊं, ये सारा क्रेडिट मेरे गुरुजनों को जाता है और फाइटर सक्सेस सिस्टम को जाता है और प्यारी सी टीम को जाता है। दोस्त एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा, उस कहानी को थोड़ा सा समझना, जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो? दोस्त एक बार एक बाबा था, कौन था? कौन था? बाबा था दोस्त, और बाबा सरंगी बजाने का काम था दोस्त। वो क्या करता था, घर घर जाके सरंगी बजा के भिक्षा मांगता था। क्या करता था साहब? घर घर जाके भिक्षा मांगता था, और वो लगातार ये काम करता रहता था और अपना गुजारा चलाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जिस गांव में वो बाबा गया उस गांव में काफी सारे कुत्ते उसके पीछे लग गए साहब। क्या हुआ? काफी सारे कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। बाबा परेशान हो गया, अब मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मेरे को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेंगी, सोच में पड़ गया। वो अपने कुटिया में वापस आके बैठ गया, और साहब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बाबा सोच रहा करे तो क्या करें, परेशान हो गया, भूखा, हालत खराब हो जा रही भूख से दोस्त, उसको समझ में नहीं आया क्या करूं। लेकिन उसने क्या किया, जानना चाहते हो? 3 दिन बाद में 4 दिन बाद में जैसे 5वां दिन आया, अपनी सरंगी की जो होती ना उसको टाइट किया, उसके बाद में अपने आप को मजबूत किया और साहब कुटिया से निकल गया और घर घर जाके भिक्षा मांगने लगा। सिचुएशन दोस्त वही थी, कुत्ते वापस पीछे पीछे चल दिए। क्या हुआ? कुत्ते वापस के पीछे पीछे लग गए। लेकिन दोस्त बाबा रुका नहीं,
कुत्ते पीछे पीछे चल रहे थे, सिचुएशन समझ में नहीं आई कुत्तों को भी, बाबा मेरा पीछा कर रहा है, कुत्ते मेरे पीछा कर रहे हैं। कुत्ता लगातार भोंकता रहा, हाँ 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 हाँ, ऐसे भोंकता रहा, लेकिन दोस्त बाबा ने अपने भिक्षा मांगने का काम दोस्त बंद नहीं किया। वो सुबह निकला था और शाम तक लगातार भिक्षा मांगता रहा, और कुत्तों की सुबह आवाज ऐसे थी हाँ। लेकिन जैसे दोस्त दोपहर हुई, कुत्ते आगे और बाबा पीछे हो गया। अब कुत्ते ऐसे करते करते शाम हो गई, कुत्तों की आवाज उड़ी बाबा। लास्ट होते होते दोस्त शाम को कुत्तों की आवाज, मतलब दोस्त क्या बताऊं आपको, उनकी हालत आवाज नहीं निकलने लगी। दोस्त सारे साइलेंट हो गए और कुत्ते भोंकते रहे, बाबा अपना काम करके वापस कुटिया में आ गया। दोस्त एक ही चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरा यहां तक पहुंचने का एक ही राज है दोस्त, स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने स्लीपियस की शुरुआत की थी, शुरुआत जब की थी दोस्त, मेरे सगे भाई ने मेरा विरोध किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा विरोध किया, मेरे फैमिली ने, हर इंसान ने मेरा विरोध किया, समाज ने मेरी टांग खींची, रिश्तेदारों ने मेरी टांग खींची, पड़ोसियों ने बोला बर्बाद हो जाएगा, इन कंपनियों कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्त मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, ये कुत्ते हैं साहब, भोंकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक ही काम करना है, प्लान पे प्लान, 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 बजाते जाना और कुछ नहीं करना। मैं लगातार दोस्त से काम करता चला गया और 3 साल से दोस्त सिर्फ यही काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। आज तक दोस्त सिंगल डे घर पे, आज तक सिंगल डे गैप नहीं दिया दोस्त, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, कोई त्योहार हो, चाहे शादी हो किसी की दोस्त, हमने असली पेस वेलनेस को प्रायोरिटी दी और कुछ नहीं किया। लगातार जैसा सिस्टम ने बोला, जैसे गुरुजी ने बोला, उन बातों को अपने आप के ऊपर फॉलो करता चला गया और अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया, लगातार काम करता चला गया। दोस्त आज आपके सामने हो, जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, आज वो लोग फोन करके बोलते हैं साहब मेरी भी आईडी लगा लो, साहब क्या बोलते हैं, मेरी भी आईडी लगा लो। आज लोगों के ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जब से जगुआर लिए ना, जो रिश्तेदार मैं खुद नहीं जानता, रिलेशन में बुआजी के ऐसे हो जाते ना, पता है ना आप लोगों को, मैं उनको खुद नहीं जानता, वो लोग कॉल करते हैं, उला साहब शादी है आपकी, जगुआर लेके आनी है। समझना दोस्त इस बात को, ये बात क्या जाहिर हो रही है, एक बात समझना इससे, जो लोग आपको कभी पूछते नहीं थे वो आपके अचीवमेंट को सलाम कर रहे हैं। तो दोस्त इतनी मेहनत आप जरूर करना, थैंक यू, इतनी मेहनत आप जरूर करना दोस्त। मेरे को एक बात बता थी, जो लोग किशन तेराज विरोध कर रहे हैं ना, ये लोग कल असली पेस वेलनेस में जरूर आएंगे, जिन्होंने 3 साल पहले बोला था कुछ नहीं होने वाला, वो लोग आज मेरे साथ में काम कर रहे हैं साहब, और सबके डाउन में काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, या तो आज काम कर लेना, नहीं तो 3 साल बाद में करोगे, करना तो पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। आप नहीं करोगे दोस्त, आपके बच्चे करेंगे, आपके बच्चे करेंगे साहब, वो करेंगे आपके नीचे ही करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उस टाइम एक एम्पायर खड़ा हो जाएगा, इस होल्स में जाने से पहले एक डिसीजन लेके जाना। जब एक स्टूडेंट मेरे जैसा एक मामूली सा लड़का जब प्लान देने जाता था, लोग बोलते थे साहब हमारा काम पता क्या है, बताऊं थोड़ा सा, लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करना। जब मैं लोगों को प्लान देने जाता था, मैं बोलता सर मेरा काम है हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना, तो लोग ऊपर से नीचे देखते थे, बोला तेरा ढांचा देख, पहले तेरी हेल्थ ठीक कर गया, लोगों की बात ठीक करना, समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग बोला, लेकिन दोस्त किसी ने किसी की बातों को नहीं सुना, मैं लगातार चलता गया। और दोस्त आज को बताना चाहूंगा, आज जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, अचीवमेंट की बात करूं दोस्त, इस बिजनेस से बाइक से सफर की शुरुआत की थी और आज असली पेस वेलनेस में 3.25 साल से दिल से काम कर रहा हूं, और 3 साल से दोस्त कभी अपना न तो दिमाग लगाया, न कभी प्लान की बात को काटा, न कभी सिस्टम की बात को काटा, लगातार काम करता चला गया दोस्त। आज 3 साल के अंदर आज खुद की 4-व्हीलर कार भी आई, जिसका नाम दोस्त इको स्पोर्ट है, वो घर पे खड़ी है, जयपुर के अंदर बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद है दोस्त आज खुद का फ्लैट भी है, जिसकी कीमत दोस्त 35 लाख रुपए है, जो कि जयपुर में है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज दोस्त जो लोग बोलते थे जगुआर नहीं आती, तेरी जगुआर आएगी तब देखेंगे, तेरी ओडी आएगी तब देखें, तू करोड़पति बनेगा तब देखेंगे, आज जो जगुआर अगर किसी को डाउट हो, बाहर खड़ी है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, चेक करके जाना, डाउट लेकर मत जाना। मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, आज महीने की एवरेज इनकम की बात करूं दोस्त, इस बिजनेस से
10 लाख रुपए से ज्यादा का एवरेज आज कृष्ण के अकाउंट में आता है भाई साहब, 10 लाख रुपए। कितना? अब 10 लाख रुपए सुन के लोग तालियां ऐसे बजा रहे हैं जैसे मैंने 1 रुपए की बात की हूं, है ना? ऐसा ही है। मैं समझ सकता हूं भाई, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं मेरी तरह गरीब नहीं है, मेरी तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे, उनको 10 लाख रुपए ऐसे लगता है छोटी सी रकम है तो। लेकिन दोस्त मेरे से आके पूछ के देखो साहब, जब शुरुआत की थी 1 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम लगती थी, लेकिन आज असली पेंशन मिलने से किसी को डाउट हो तो चेक करना भाई साहब, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करके अकाउंट में आता है साहब, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, मार्केट के अंदर एक सर्वे करके देखना कि लोग 10 लाख रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और कितने साल से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्त समझ में आएगी कौन सा काम करना चाहिए, असली पेश करना चाहिए या मार्केट का बिजनेस करना चाहिए। दोस्त एक ही बात बोलना चाहूंगा, समय कम है दोस्त क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा डिले चल रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात के बाद बात के साथ मेरी बातों को विराम करना चाहूंगा। अगर आप यहां पे सक्सेस होना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा मूल मंत्र एक ही बताना चाहूंगा दोस्त, मैंने जो किया वो लास्ट बात है दोस्त। कभी भी दोस्त इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो 4 साल के लिए अपने माइंड को लॉक कर लेना, बाहर का जो कचरा जो डालते हैं लोग उस कचरे को मत अंदर जाने देना, एक ही काम करना, अपने एक्टिव प्लान की बातों के लिए इस माइंड को थोड़ा सा खोल देना और अपलाइन को चाबी सौंप देना, अपलाइन अपने आप खोल लेगा, और सिस्टम की बातों के लिए सिस्टम को उस चाबी को दे देना भाई साहब, और कुछ नहीं करना 4 साल। न तो कभी नेगेटिव होना, न कभी डिमोटिवेट होना, सिर्फ जैसा अपलाइन बोलता है वैसे काम करना, जैसा सिस्टम बोलता है दोस्त वैसे काम करना। दोस्त 4 साल नहीं साहब, असली पीएस वेलनेस के अंदर लोग 2-2 साल के अंदर भी करोड़पति बन रहे हैं, और आपको सामने अभी एक चेहरा आएगा, अभी एक चेहरा आएगा कि 2 साल के अंदर जिंदगी कैसे बदलती है वो बताएंगे आपको दोस्त। यही मेरी बातें थी, क्योंकि दोस्त समय कम है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और एक कमिटमेंट है मेरा आप लोगों के लिए, जो लोग मेरे साथ में दिल से काम कर रहे हैं, दिल से जो काम करें दोस्त, मेरी टीम के लिए छोटा सा मैसेज है दोस्त, आप जिंदगी के अंदर कभी मायूस में तो ना, कितनी बड़ी विकट से विकट समस्या आ जाए दोस्त, ऐसा सिचुएशन मेरी लाइफ में आया था जब पूरा नेटवर्क खत्म हो गया था, लेकिन दोस्त मैंने अपने आप को मजबूत बना के रखा, सर की बातों को फॉलो किया, सिस्टम की बातों को फॉलो किया, और लोग बोलते थे तेरा नेटवर्क खत्म होगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, मैंने 0 से रूबी स्टार लेवल पे दोस्त 0 से वापस नेटवर्क को खड़ा किया, और असली पे वेलनेस के अंदर आज दोस्त बताना चाहूंगा सबसे फास्टेस्ट अचीवमेंट अगर कोई आता है तो मेरी टीम में आता है, सबसे ज्यादा अगर टारगेट अचीवर निकलते हैं तो दोस्त मेरी टीम में निकलते हैं दोस्त, उसका रीजन है दोस्त समर्पण और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं और कुछ नहीं जानता दोस्त। अगर आपने भी अपने आप से कभी हार नहीं मानी, सिस्टम की बात को फॉलो किया, अपलाइन की बात को फॉलो किया दोस्त, आज जो आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा आपके पास अचीवमेंट आएगा, इस बात की गारंटी है दोस्त। इन्हीं बातों के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट और लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू मेरी प्यारी सी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको दिल से प्यार करता हूं यार, दिल से मोहब्बत करता हूं, बस 3 साल रुक जाना आप सभी लोग यहां पे होंगे, मैं आपकी सक्सेस के लिए पूरी जान लगा दूंगा दोस्त, मैं आपकी सक्सेस के लिए पूरी जान लगा दूंगा, और बिहार से एक टारगेट लेके मैं चल रहा हूं गुरुजी के आशीर्वाद से दोस्त, असली पेस वेलनेस के अंदर अगर सबसे ज्यादा करोड़पति होंगे तो बिहार से होंगे, वो नसीब सर की टीम से होंगे, इस बात की गारंटी है। उसके लिए दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब से मैंने असली पेस वेलनेस में बिहार में मैंने कदम रखा है, आपको पता होगा जो बिहार की टीम में जो अचीवमेंट आ रहा है, असली पेस वेलनेस से किसी का अचीवमेंट नहीं आ रहा दोस्त, आपका उससे भी फास्ट अचीवमेंट आएगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि दोस्त आपके अपलाइन अभी आने वाले, उनसे मिलोगे तब पता चलेगा। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, और गो डायमंड, थैंक यू।